Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are doing well. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Welcome to class 2. Subject is English Literature. I'm your teacher Sidra Siddiq and this is our lecture 5. Chapter is The Kind Dolphins. हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. प्रीवियस वीडियोस में हम इस चैप्टर के बारे में बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं. आपको याद होगा कि ये चैप्टर है एक फ़िशरमैन के बारे में और डॉल्फिन्स के बारे में. और फिशरमैन बहुत ही अच्छा था और वो डॉल्फिन्स का बहुत ख्याल रखता था और अपना मील उनके साथ शेयर करता था. और डॉल्फिन्स भी बहुत अच्छी थी. और एक बार जब फिशरमैन दरिया में गिर गया था और डूबने वाला था तो डॉल्फिन्स ने उसकी जान बचाई थी. ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 100. वी विल स्टार्ट रीडिंग. द फिशरमैन्स वाइफ लुक्ड आउट ओवर द चॉपी वाटर. फिशरमैन की वाइफ ने बाहर जो दरिया में पानी बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा था उसकी तरफ देखा. शी कुड नॉट सी हिम एनीवेयर. और वो अपने हस्बैंड को कहीं भी नहीं देख पाई. सो शी वेंट इनसाइड टू बी विथ हर चिल्ड्रन. और वो बोट के अंदर वापस चली गई ताकि वो अपने बच्चों के साथ हो. एंड शी मिस्ड सीइंग द स्ट्रेंजेस्ट साइट. और वो बाहर जो उसने भी इतना हैरान कर देने वाला मंजर देखा था वो उसे याद कर रही थी. टू डॉल्फिन्स वर स्विमिंग टूवर्ड्स द बोट. और जो दो डॉल्फिन्स हैं वो बोट की तरफ तैरती हुई आ रही थी. One had the fisherman on its back. एक डॉल्फिन की बैक पे उसने फिशरमैन को देखा. The other was at his side. और दूसरी उसके साथ में आ रही थी तैरकर. The fisherman's wife heard a loud thud and she came out to see. फिशरमैन की जो वाइफ थी उसने एक loud आवाज़ सुनी और वो बाहर देखने के लिए आई. And there on the deck lay her husband, all cold and wet but safe. और बाहर उसने देखा कि बोट के डेक पर उसने अपने हस्बैंड को देखा जिसको बहुत जैसे वो बहुत कोल्ड था, ठंड लगी हुई थी और कपड़े भी गीले थे लेकिन वो बिल्कुल सेफ था. वेयर वर यू. उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि कहाँ पर थे. आस्क्ड द वाइफ. फिशरमैन की वाइफ ने पूछा कि आप कहाँ पर थे. We will move to next page. I don't know, replied the fisherman. A fisherman ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता. I slipped and hit my head on the boat. I toppled into the river. A fisherman ने कहा कि मैं slip हो गया था और मेरा है जो सर है वो बोट के ऊपर लगा था और मैं दरिया में गिर गया था. But how did you get back into the boat? Asked the wife. अब जो वाइफ थी उसने फिशरमैन से पूछा कि आप बोट में कैसे वापस आए. Asked the dolphins, he said and smiled. तो फिशरमैन ने अपनी वाइफ से कहा कि डॉल्फिन से पूछो और उसने स्माइल की. अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. हमने इस पूरे चैप्टर की रीडिंग की है और इस चैप्टर के बारे में हमने सारी डिस्कशन भी की है साथ में. अब आप लोगों को इस पूरी स्टोरी के बारे में ठीक से पता चल गया होगा कि फ़िशरमैन कैसा था और डॉल्फिन्स कैसी थी. और फिशरमैन उनका ख्याल रखता था और उसने अपना मील अपना खाना वगैरह भी उनके साथ शेयर किया. जो वो मछलियाँ वगैरह पकड़ता था तो वो डॉल्फिन्स को भी देता था. और जब एक दिन तूफान आया था और फिशरमैन का पाँव है वो स्लिप हो गया था और वो बोट से नीचे गिर गया था तो डॉल्फिन्स ने उसकी हेल्प की थी और उसे डूबने से बचाया था और उसको वापस उसकी कश्ती में छोड़ कर आई थी. तो हम लोग को इस स्टोरी से यही हम लोग को लेसन मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनके साथ हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए और अल्लाह ताला भी हमारे साथ, अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे और हम लोग के साथ भी सब अच्छा होगा. नेक्स्ट पेज. अब आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है और आपने ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखना है.
What happened to the fisherman during the storm? जब तूफान आया था तो फिशरमैन के साथ क्या हुआ था? Answer is, the fisherman slipped from the boat and fell into the river. फिशरमैन बोट से स्लिप हो गया था और दरिया में गिर गया था। आपने इसको अपनी कॉपी में लिखना है और ब्लू कलर लाजमी यूज़ करना है। और आपको पता है, मैं फिर से रिमाइंड करवा दूँ कि एक पेज पे आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे RDC नंबर 1। अब ये देखें, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड हियर फॉर अस। अब ये एक लाइन है। अब हम लोगों ने पूरा चैप्टर रीड किया है और हमें अच्छे तरीके से आइडिया हो गया है कि कौन सी लाइन किसने बोली है, फिशरमैन ने बोली है या फिर उसकी वाइफ ने बोली है। तो ये लाइन को, इस लाइन को ज़रा गौर से देखें, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड हेयर फॉर अस। ये किसने बोला था कि हमारे पास अब बहुत सारा खाना हमारे पास जमा हो गया है? ये किसने बोली थी ये लाइन? याद होगा ना आपको कि फिशरमैन ने कहा था, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड हेयर फॉर अस। अब इसके बारे में क्वेश्चन ऐसे होगा, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम। ये वर्ड किसने और किससे कहे थे? तो आपने सबसे पहले लेसन मेंशन करना है कि कौन सा लेसन है। लेसन है द काइंड डॉल्फिन, और इसे आप ब्लू कलर से लिखोगे। उसके बाद अब आप आंसर दोगे कि ये वर्ड्स किसने बोले हैं और किससे बोले हैं। द फिशरमैन सेड दीज वर्ड्स टू हिज वाइफ। जब फिशरमैन दरिया पे गया था अपने जाल से मछलियाँ पकड़ने के लिए, और उसके बाद उसने अपनी वाइफ से कहा था, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड हेयर फॉर अस। तो हमारे पास बहुत सारा खाना मौजूद है। तो अब आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से RDC को लिखना है। आपको इस तरीके से एक लाइन दी जाएगी और पूछा कि ये लाइन या ये वर्ड्स किसने बोले हैं और किससे कहे हैं। और फिर आप लेसन सबसे पहले मेंशन करोगे और फिर उसका आंसर लिखोगे। लास्ट में हम लोग होमवर्क के बारे में बात करेंगे। रीड पेज नंबर 100 एंड 101 ऑफ चैप्टर द काइंड डॉल्फिन्स। राइट क्वेश्चन 4 एंड RDC नंबर 1 इन योर स्कूल कॉपी। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 और RDC नंबर 1 अपनी स्कूल कॉपी में करनी है। दिस इज़ फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।